अस्सलाम वालेकुम। आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हम आपको लेके जा रहे हैं एक राइड पर। अब मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो GoPro पे है, GoPro Hero 10। और पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी वो मैंने इंडोर बनाई थी, अब मैं बनाना चाह रहा था आउटडोर की वीडियो और इसको देखना चाह रहा था कि वाकई ये सही काम करता है। दिन की लाइट की रोशनी में पूरा सूरज अपने जौबन पे है और मैं देखना चाह रहा था कि ज़बरदस्त वीडियो बनाता है कि नहीं बनाता। अब वैसे अभी मैं लेके जा रहा हूँ आप लोगों को धर्मपुर है, हम बाइक की राइड भी करेंगे और साथ साथ थोड़े बहुत खाबे भी करेंगे। लेकिन आप लोगों से यार फिर एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका क्या जाता है। कोई मसला नहीं है यार, कोई फ्री है, फ्री का काम है। जब हम मशहूर हो जाएंगे ये ना हो कि हम इसको फिर हम टिकट लगा दें इसके सब्सक्राइब करने पर, अभी तो फ्री है, कर लें जाके। अभी मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ कि इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि जितनी भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं वो सब के जो व्लॉग्स बनाएंगे, हम व्लॉग श्लॉग बनाएंगे, खाबे बनाएंगे, वो सारे आपको नज़र आएँ, आपको भी पता चले लाहौर में क्या क्या है। और अभी आप लोगों ने यह भी मुझे बताना है कि ये जो GoPro है दिन की रोशनी में कैसा काम करता है, बाल छाल सही आ रहे हैं कि नहीं, मेरा रंग सही आ रहा है कि नहीं, ये सारा कुछ आपने बताना है। और ये पीछे पार्क है, ये देखें पार्क भी है, और इंशाल्लाह फिर आपको लेके चलता हूँ अभी। और पहले जाएं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं साथ पैदल भी हूँ। और ये देखें मैंने हाथ में इसको पकड़ा हुआ है, कोई इसमें गिम्बल शिम्बल नहीं लगा हुआ, तो आपको बताना है मुझे इसकी आवाज़ किस तरह की। और अभी मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ बाइक पर धर्मपुरे, चलें मेरे साथ। ये पिछली वीडियो में मैंने ये रोड दिखा दिया था आप लोगों को और इस रोड पर आकर ये यहाँ तक मैं आया था और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी। अब पहले मैं सीधा चला गया था क्योंकि मेरे घर को रास्ता यही आता है जिना एवेन्यू वाला, तो यहाँ से अब मैं ये मुड़ गया हूँ डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ। तो डॉक्टर हॉस्पिटल से हम जाएँगे कनार रोड पर, कनार रोड से फिर हम जाएँगे आगे जो धर्मपुरे है उस साइड पर जाएँगे हम। तो इस वक्त मैं आपको लेके जा रहा हूँ कनार रोड पर। आज जुमा है, जुमे वाले दिन भी काफ़ी ट्रैफिक है, वैसे वर्किंग डे तो है। कुछ लोग जो होते हैं वो बिजनेसमैन जो होते हैं वो जुमे को छुट्टी करते हैं और जुमे वाले दिन जो है ना वो काम जो है ना वो कम करते हैं। तो इस वक्त आप लोगों को कैसा लग रहा है, मौसम जो है वो ठंडा ठंडा सा हो गया है। ये पता नहीं मसला क्या है कि जब भी गर्मी आने वाली होती है मौसम तब्दील हो जाता है यकदम ही और ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अभी भी सुबह मैं जब जुमा पढ़ के आऊँ तो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, अब जब मोटरसाइकिल पे आने लगा तो ठंड लगने लग गई, तो मैंने फिर ऊपर जैकेट पहन ली। मैंने कहा ये ना हो कि ठंड लग जाए। तो ये अगला जो चौक आ रहा है यहाँ से हम राइट ले लेंगे और जाएंगे हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ। ये बस मैं जो छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ GoPro के थ्रू, ये लंबे टूर की निशानी है। इंशाल्लाह लंबे टूर पे जाने वाले हैं हम। जब बंदा बोलता है ना तो गला खुश्क हो जाता है फिर, तो वो फिर पता है आपको ना बंदा पानी पी सकता है। और यही मैं सोच रहा था कि अभी ये छोटे छोटे सफ़र कर रहा हूँ तो छोटे छोटे सफ़रों में ही इतनी प्यास लग जाती है, तो जब हम बड़े सफ़र पे जाएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा। हम इस तरफ नहीं जा रहे। अच्छा मैंने वो फ्रीड कॉन का भी लगाया हुआ है, कॉल आ रही है वो भी चेक करवा देता हूँ आपको, बीच में कॉल आ रही है। आंसर अस्सलाम वालेकुम सर जी जी, ये देखें फ्रीड कॉन मोबाइल ब्लूटूथ हेलमेट का मैंने लगाया हुआ है,
तो उसकी आवाज़ कितनी अच्छी आई है, आपको भी महसूस हुआ होगा, क्योंकि जिसकी अभी मैंने अनबॉक्सिंग की थी और आवाज़ के थ्रू, कोई मैंने अपने मोबाइल से पिक, मोबाइल कॉल जो अपने हाथ से नहीं पिक की, मैंने आवाज़ से सिर्फ कहा कि आंसर, तो उसने जवाब दे दिया और कॉल पिक हो गई। अगर इसी को मैं रिजेक्ट करना चाहता तो ये मैं लेफ़्ट हैंड से अपने जो डिवाइस है उसको दो दफ़ा क्लिक कर देता, या मैं बोलता ही ना तो वो रिजेक्ट हो जाती कॉल। तो अभी ये भी आपको एक डेमो मिल गया है कि इसकी कॉल की आवाज़ क्वालिटी, अभी मैं इतनी तेज़ हवा है और मैंने ब्रेक नहीं लगाई और अच्छी खासी आवाज़ आई है। ये जी G1 मार्केट, बड़ी फेमस मार्केट जौहर टाउन की ये गुजर रही है। बड़ी जौहर टाउन की एक फेमस मार्केट है ये, बड़े लोग यहाँ पे आते हैं और शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे एक दाल चावल वाला होता था, वो दाल चावल वाला छोड़ गया है शायद यहाँ से, तो कहीं और शिफ्ट हो गया। इस जगह जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती थी यहाँ पे लगाते थे, वो बड़े फेमस दाल चावल थे, तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जी जनाब, हम आगे हैं इस वक्त डॉक्टर हॉस्पिटल के पास, ट्रैफिक ज़्यादा है इसलिए हम राम राम से जा रहे हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। ये देखें जी, इशारे उन्होंने फ्री किए हुए हैं और हम फ्री इशारों में से गुज़र रहे हैं। ये उड़ रहे, हम आ गए हैं जी कनाल रोड पर। ये रोड बहुत सारे लोगों को, वो कहते हैं ना अगर कनाल रोड ना होता तो लाहौर के बहुत सारे रस्तों का ना पता चलता। ये कनाल रोड ही है जो रस्तों को समझाता है, पता चलता है कि किधर जाना है हमने। तो लाहौर में ये एक ज़बरदस्त है। और यहाँ आके और जो हवा, जो ठंडी हवा है और ठंडी लगने लग गई है, क्योंकि दरख्त ज़्यादा है इधर और साथ साथ पे नहर है, पानी है उसमें, तो इस वजह से ठंडी हवा लगना लग गई है और ज़्यादा। तो ये जी कनाल रोड है जो कि लाहौर का सबसे बिजी तरीन रोड है। दिन में पता नहीं कितनी लाखों गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं। तो आपको कनाल रोड दिखा रहा हूँ और फिर आपको लाहौर के जितने अंडर पास हैं वो दिखाने जा रहा हूँ आज को। ये लाहौर के कनाल रोड के जितने अंडर पास हैं वो आज आपको दिखाएंगे और आपको मज़ा आएगा। इधर बहुत ट्रैफिक होती है, आज जुम्मा है, मैंने बताया कि बिजनेसमैन जो है वो छुट्टी करते हैं और वैसे भी 3:30 बजे का टाइम है तो इस वक्त रश कम होगा। ये जो मौलाना शौकत अली रोड है ये चला जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ, लामा इकबाल टाउन की तरफ, और जो रहीम मार्केट है बहुत बड़ी कपड़े की गारमेंट्स की मार्केट है, उधर चली जाती है। गाड़ियों वाले शूँ शूँ इधर से गुजर रहे हैं, कभी इधर से गुजर रहे हैं। ये फर्स्ट अंडर पास हमने क्रॉस कर लिया है और ट्रैफिक ना होने की वजह से मेरी स्पीड भी ज़्यादा है। अगर ट्रैफिक होती तो पहली बात है मेरी स्पीड ही ना होती, मैं बहुत कम स्पीड से चलाता। अभी मैं 70 की स्पीड से जा रहा हूँ और बाइक की 70 की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये रोड फ्यूचर में मुझे लगता है और इनको चौड़ा करना पड़ जाएगा, तो अभी तो ठीक है लेकिन फ्यूचर में मुझे लग रहा है जो इतनी जगह इन्होंने साथ साथ छोड़ी है तो फ्यूचर में और हो जाएगी। लेकिन ये फिर वही बात कि इतने खूबसूरत दरख्त लगे हुए हैं, ये सबको काटना पड़ेगा। और फिर आम के दरख्त हैं सारे, आम जामुन के दरख्त हैं, सारे फलदार दरख्त हैं। इसी साइड पे जाना पड़ेगा क्योंकि सीट्स इसी तरफ ही हैं।
बॉस इसकी सीट सही करनी है, सीट सही करनी है, सीट इसकी ये नई सीट आपको पता है वो स्लिपरी सी है, वो सख्त पड़ी है, सख्त है और स्लिपिंग है। हाँ जेन्युइन सीट है, इसे कुछ भी ना करवाएं, इसके ऊपर जाली लगवा लें वो सही रहेगी लंबे सफर के लिए। आदमी का वजन इसके ऊपर पड़ेगा तो मेरे ख्याल से तो इससे ज्यादा सॉफ्ट है, किसी बाइक की सीट नहीं है। अच्छा चलें ये लगा के देखें, जरा ऊपर बैठ के देखते हैं। ये कितने की है? ये कितने की है? 1200। अच्छा वो फिट भी करके दे रहा है, मैंने ये सारा कुछ उससे करवाया, ये देखें ये सारा कुछ उससे करवाया। चलो जायज कर ले, मैंने 800 कर ले, 800 कर ले, कर ले यार, कर ले यार, 700 की मेरी खरीद है भाई जान। अच्छा 200 रुपये मेरा भी तो अकाउंट है। चले मजदूरी में से कुछ छोड़ दें यार, लाहौर होटल से लेके आया हूं। चल यार लगा दे यार, और बता जेल लगा दे या जाली लगा? हैं जाली लगा दो। हां जेल जाली लगा दे। ले सर ये खोल दिए इन्होंने और अब ये जाली लगाने लगे हैं इस पे। वो बंदा कह रहा था कि 750 की लगा दूंगा मैं, मैंने कहा यार 150 के बदले अब क्या उधर जाना है। आप इसको ये जी सीट लग रही है, इस पे जाली लगा दी है भाई ने, तो नहीं सर थैंक यू मेहरबानी अल्लाह हाफिज़। देखिए गाड़ी की सफाई कर रहे हैं, पहले अच्छी तरह इसको साफ करेंगे, जो इस पर स्क्रैचेस वगैरह लगे हुए हैं वो इसको उतारेंगे, देखिए अच्छी तरह गाड़ी साफ़ हो जाए ताकि जो अंदर निशान है वो ख़त्म हो जाए और दोबारा कोई निशान लगे ना। ये देखें ये शीट लग रही है इस पे, इससे ये होगा कि मज़ीद जो ख़राबियाँ पैदा होती हैं ना वो ख़राबी नहीं पैदा होगी, तो इससे कवर हो जाएगा जो ख़राश वगैरह लगी थी, जो बच्चों ने पहले यहाँ पे पाँव शाँव लगा दिए या कोई बैठते हुए पाँव लगा देता है तो वो इससे फ़ायदा ये होगा कि ये दोबारा जो है वो ख़राब नहीं होगा। नहीं जी ये तो हो जाने दें, फिर अब बाकी वीडियो बाकी चीज़ें करते हुए फिर मिलते हैं आपसे। जी हमारे हो गए हैं सारे काम मुकम्मल और इस वक्त हम जा रहे हैं वापस, बाइक की जो लेमिनेशन है वो भी करवा ली है, बाइक की सीट का मसला था वो भी थोड़ा सा कुछ बेहतर हुआ है, जो वो स्लिपरी वाला हिस्सा था ना वो ख़त्म हो गया क्योंकि जाली लगा दी ऊपर, स्लिपरी तो वैसे ही ख़त्म हो गया। अब देखना ये है कि जब मैं आया था काफ़ी दूर आया हूँ तो आते वक्त मैं जो हिप है वो दुखने लग गई थी, अब जाते हैं तो फिर पता चलता है अभी क्या कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा, क्योंकि अगर सीट ख़राब हो ना तो जो आपकी रीढ़ की हड्डी की टेल होती है ना एंड पे जाके वो अगर दुखने लग जाए ना तो पूरी फिर रीढ़ की हड्डी में आपके दर्द शुरू हो जाती है, तो इसलिए वो रीढ़ की हड्डी का मसला ना बने इसलिए मैं बार बार सीट का कह रहा था कि अभी तो मैं लाहौर के अंदर अंदर हूँ, यहाँ पे भी अगर मोटरसाइकिल चलानी है तो एक घंटा कम से कम किसी भी जगह पे जाते हैं तो एक घंटा लग ही जाता है, तो इसलिए मैंने सीट का थोड़ा सा करवा लिया है। पानी है चल रही है, मेरे हाथ सुन्न हो गए हैं, ये जी
गार्डन बोर्डन खड़े थे। कितना खूबसूरत लग रहा है सूरज सामने, रेड कलर का नीचे गरूब होते हुए। हर चीज़ जो तुलू होती है उसे गरूब भी होना होता है। यही इंसान को समझ नहीं आता, वो समझता है कि मैं ही हूँ बस, और कोई है ही नहीं। ले भी अब हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर तक। ट्रैफिक देख रहे हैं आप लोग, इतनी बढ़ गई ट्रैफिक थी। ये जी लाहौर है, अब पता चला आप लोगों को कितना खूबसूरत अंडरपास है। गाड़ी तो गाड़ी, यहाँ पे बाइक गुजारने का वो रास्ता नहीं मिल रहा। ए जी हम इस तरफ मुड़ जाते हैं क्योंकि उस तरफ तो बहुत ट्रैफिक है। यहाँ से हम निकलेंगे एक्सपो सेंटर की तरफ से, और ये एम्पोरियम वाली साइड से। ओए दरख्त इधर ज़्यादा है, इधर ठंड भी ज़्यादा है। ओहो कितने खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं, रोड कितनी खूबसूरत लग रही है। चुनिया चुनिया गड्डियां लै के ना ये वक्री शो मार देना है। ना बंदा पूछे, दो बंदे बह सकते हैं सिर्फ इन्हें। देखना कितनी चुनी, ये देखो चुनी सी गाड़ी है ये। हमने यहाँ से राइट हो जाना है और आगे फिर एम्पोरियम आएगा, फिर एक्सपो आएगा, फिर आगे हम जाएंगे यूसीपी। इस कैमरे की आंख से मैं आप लोगों को लाहौर दिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको नॉर्दर्न एरियाज दिखाते हैं, बहुत कुछ दिखाते हैं, लेकिन जिन लोगों ने लाहौर नहीं देखा मैं उन लोगों को लाहौर दिखा रहा हूँ। लाहौर की शामें, लाहौर की रातें, लाहौर के दिन, लाहौर की मॉर्निंग भी दिखाऊँगा किसी दिन आपको। ओ कुलजा चारिया, ओ कुल गई, मेरे कहन की गल सी बस। वाह जी वाह, तो पहले ही मेरी मैनू की पता ही, मेरी आवाज़ सुन के नहीं खुलना। ये जी रोड जाता है एम्पोरियम वाली साइड पे।
ये देखें जी, ये एम्पोरियम है, ये एम्पोरियम की बिल्डिंग। अभी रश यहाँ पे, गाड़ियाँ इधर बहुत ज़्यादा होती हैं, बाहर खड़ी जाती हैं। ये एम्पोरियम मॉल है। बस ये लाइट देखें ज़रा, ये मैंने लाइट लगवाई थी बाइक पर, और इसमें दो कलर हैं, एक येलो और एक वाइट कलर। ठीक है, दोनों ही दिन कर देती हैं, दोनों ही। बड़े लोगों ने मुझे पूछा कि यार ये कहाँ से लगवाई है, देखिएगा ये वाइट हो गई है इस वक्त। तो वाइट मुझे इतनी पसंद नहीं है, अगले बंदे को तो पता चलता है कि वाइट लाइट जल रही है, लेकिन मज़ा जो है ना वो इस लाइट में है। देखिए आपको भी नज़र आ रही होगी, तो आगे फिर नज़र भी आता है, फिर जो आगे से आने वाला बंदा है उसकी आंखों में भी नहीं पड़ती। और बड़ा जैसे येलो पेपर लगा होता है गाड़ियों के आगे या मोटरसाइकिल्स के आगे, उन लाइट्स पे जो तेज़ होती हैं, एलईडी जिसे बोलते हैं, तो वो एलईडी बीम्स जो होती हैं वो बहुत ख़तरनाक होती हैं। तो ये लाइट जो है ना, ये कमाल की लाइट है यार, आपको भी नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने सुजुकी GS 150 पर लगवाई, अभी दो लाइटें, लेकिन अभी दो और लगनी है। जब दो और वो लग गई तो आहा क्या माहौल होगा, ऐसे लग रहा है लाइट ही आगे आगे जा रही है। मज़ा आ रहा है ना। सारे रोड पे सिर्फ इसी की लाइट नज़र आ रही है, बाकी मध्यम लाइट्स नज़र आ रही हैं, आ रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसी की लाइट जल रही है, लेकिन ये कि इसकी हैवी है। दूसरी बाइक्स भी मेरे साथ साथ जा रही हैं, उनकी लाइट्स भी जल रही हैं, लेकिन आपके भाई की लाइट, आपके भाई के मोटरसाइकिल की लाइट, मेरी लाइट ना समझ लीजिए, आपके भाई की मोटरसाइकिल की लाइट क्लास की है, क्लास की। मैं गया हूँ थक, 1.5 घंटा 2 घंटे की ड्राइव, वो भी बाइक पे, बड़ी लंबी ड्राइव थी। और हवा बहुत ठंडी थी, ऐसे लग रहा था जैसे अभी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, और बल्कि जो है वो फरवरी का महीना नहीं जा रहा, बल्कि दिसंबर का महीना जा रहा है, इतनी जो सर्दी थी। खैर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।